हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी एस ट्यूशन क्लासेस। तो चलिए सेकंड पार्ट लाया हूँ फिर से आप लोगों के लिए। माय इंप्रेशन ऑफ आसाम का लिखा है बेरियर एल्विंसी ने। तो आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं बी एस ट्यूशन क्लासेस में, सबसे पहले तो बी एस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और उसके साथ साथ दूसरा जो चैनल है जैसे बी एस ट्यूशन क्लासेस करके ही है, इंस्टाग्राम में देखिए, फेसबुक पेज में देखिए, टेलीग्राम में देखिए, हर जगह पर आपको बी एस ट्यूशन क्लासेस करके मिल जाएगा, ठीक है ना। और सूत्रधर सर करके दूसरा चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सेकेंड पार्ट। और लास्ट जो था वो कहाँ पर था कि आसाम में एनिमल सेफ नहीं है, क्यों सेफ नहीं है, ऐसा था ना। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। एंड श्योरली देयर इज समथिंग रॉन्ग, और यहाँ पर जो एनिमल से वो सेफ नहीं था, कुछ तो गलत हो रहा था इसके पीछे। आफ्टर ऑल मोस्ट ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन्स आर कार्निवोरस, और हमको पता है कि अफ्रीका का जो लोग है, ईस्ट अफ्रीका का ज़्यादातर लोग वायलेंट होते हैं, ठीक है ना, गुस्से वाला होते हैं, कार्निवोरस, वो लोग मांसाहारी होते हैं, मांस ज़्यादा खाते हैं। लेकिन हियर इन इंडिया वी आर ट्रेडिशनली वेडेड टू नॉन वायलेंस, लेकिन हमारा जो इंडियन लोग है वो परंपरागत होते हैं, वो नॉन वायलेंस होते हैं, अहिंसावादी होते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते। रियल सेंस ऑफ ब्रदरहुड विथ एनिमल्स, एनिमल्स के साथ भाईचारा करके रखता है, युद्ध नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, जो कि बेरियर एल्विन को पता है कि यहाँ का जो लोग हैं उनमें भाईचारा है, ठीक है, एनिमल्स को प्यार भी करता है। तो वही कह रहा है कि सो आई वेंचर टू अपील टू एवरीबडी टू बैक अप द गेम सेंचुरीज एट काजीरंगा और एल्सवेयर। तो सभी से अपील करता है, गुजारिश करता है कि आपका जो अहिंसावादी है आप लोग, आपका जो भाईचारा है वो उसको खोए ना, वो वैसा का वैसा रखे, और ये जो गेम सेंचुरीज है, अभयारण्य है, इसको बचाए आप, ठीक है, इसको बचा कर रखे, एक सक्सेसफुल बनाए इसको, एंड टू मेक ए रियल सक्सेस ऑफ देम। देयर आर सम थिंग्स टू बी प्राउड ऑफ, और कुछ चीज़ ऐसा है जिसको हम मतलब प्राउड फील कर सकते हैं उसके ऊपर। इट इज़ ए ग्रैंड थिंग टू सी क्रिएटर्स ऑफ द वाइल्ड फीलिंग सेफ इवन इन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर क्या बताया है, देखिए यहाँ पर बताता है कि हमारा जो सभ्यता है, ठीक है, देयर आर सम थिंग्स टू बी प्राउड ऑफ, इट इज़ ए ग्रैंड थिंग टू सी क्रिएटर्स ऑफ द वाइल्ड फीलिंग सेफ इवन इन सिविलाइजेशन। हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारा जो अच्छापन है, इसको इस क्रिएटर्स के अंदर ताकि वो लोग सेफ रह सके यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमारा सिविलाइजेशन को भी सेफ रखना है, हमारे सभ्यता को, उन लोगों को भी सेफ रखना है। उसके बाद देखिए, बट ऑफ कोर्स व्हाट आई रियली केम टू आसाम टू सी एंड स्टडी वाज द आर्ट ऑफ द हिल पीपल। और यहाँ पर बताया कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर क्यों आया था, मैं आसाम में आया था कि स्टडी करने के लिए, या कि जो आर्ट है, कला है, हिल पीपल का जो कला है, इसके बारे में मैं स्टडी करने के लिए आया था, ठीक है, नॉलेज गेन करने के लिए आया था। नाउ हेयर टू यू हैव ए रियल ट्रेजर, और यहाँ पर बोला यहाँ पर भी आपको एक रियल ट्रेजर मिलेगा, रियल ओरिजिनल खजाना मिलेगा यहाँ पर, ऐसा बताया। आसाम के हिल एरिया में ओरिजिनल खजाना है। इट एस्टोनिशेस मी, ये मुझे आकर्षित कर देता है, मुझे शॉक कर देता है, टू फाइंड दैट यू हैव नो प्रॉपर म्यूजियम इन शिलोंग और गुवाहाटी, पुराना नाम है गुवाहाटी। तो इन ये आकर्षित हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है नरेटर कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर म्यूजियम नहीं है, शिलोंग में भी नहीं है और गुवाहाटी में भी नहीं था, ठीक है। डू यू नो यू कैन सी मोर ऑफ द ट्रेजर्स ऑफ द आसाम ट्राइब्स इन ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज देन यू कैन हेयर। और बताते हैं क्या आपको पता है कि आपको ये जो खजाना सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा, आसाम का ट्राइब का खजाना आपको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में मिलेगा, उधर मिलेगा, ठीक है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में मिलेगा, जितना आसाम में नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में मिल जाएगा। आपको पता है ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज क्या है, एक प्लेस है इंग्लैंड का। आर्ट ऑफ कोर्स इज़ अ बिग वर्ड टू कवर्स ए लॉट ऑफ थिंग्स। देखिए ये जो आर्ट है, कला है, ऑफकोर्स बिल्कुल ये बहुत एक बड़ा एरिया कवर करता है, इसके अंडर में, आर्ट के अंडर में बहुत सारे चीज़ें आ जाता है। देयर इज़ द आर्ट ऑफ वॉक्स, जैसे काम का कला आ जाता है, आर्ट ऑफ म्यूज़िक, म्यूज़िक का कला आ जाता है, प्लास्टिक का कला आ जाता है, ग्राफिक का कला आ जाता है, ऑफ ए कंट्री, हमारे देश का जो आर्ट ऑफ वर्क है, आर्ट ऑफ म्यूज़िक है, आर्ट ऑफ प्लास्टिक है, आर्ट ऑफ ग्राफिक है, वो सारी चीज़ें आ जाता है इसके अंडर में। उसके बाद क्या है कि नाउ टेक द आर्ट ऑफ वॉक्स एंड म्यूज़िक, अभी बोला है, अभी चलो वर्क
आर्ट ऑफ वर्क और म्यूज़िक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। द अदर डे नेक्स्ट दिन उन्होंने क्या किया, वेरी टायर्ड, वो बहुत ही टायर्ड हो चुका था आफ्टर ए लॉन्ग क्लाइंब ऑफ मोस्ट फॉर्मिडेबल माउंटेन ऑफ काबुल विलेज। काबुल विलेज का एक बहुत ही लंबा, ठीक है, फॉर्मिडेबल माउंटेन को माउंटेन में उठा था वो। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मिडेबल मतलब क्या है, भयंकर, एक भयंकर पर्वत में वो उठा था। कहाँ पर जाने के लिए, काबुल विलेज में जाने के लिए, वहाँ पहुँच भी गया काबुल। तो चलिए, I suddenly arrived at a scene of fantastic and unearthly beauty। और काबुल विलेज में पहुंचने के बाद मुझे सडनली एक जगह पर, ऐसा जगह पर पहुंचा जहां पर देखने के बाद इतना अच्छा लगा, इतना फैंटास्टिक लगा, इतना ब्यूटी देखने के लिए मिला, अनअर्थी मतलब बोल सकते हैं कि मुझे हेवन मिल गया, स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग का सुंदर देखने को मिल गया यहाँ पर आके। इन ए ग्रेट ग्रुप ऑफ ऑरेंज ट्रीज सम 30 स्प्लेंडिड यूथ। कहाँ पर कि वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर ऑरेंज का बोल सकते हैं कि फॉरेस्ट ही था। ऑरेंज जो फ्रूट है, ठीक है, संतरे का खेती था वहाँ पर। 30 यंग लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर, खड़ा था। दे आर लिम्स ग्लोइंग गोल्डन इन सेटिंग सन, सूरज ढल रहा था और सूरज का जो किरणें इनके शरीर पर पड़ रहा था, ये 30 जो लड़के हैं इसके ऊपर पड़ रहा था, जिसकी वजह से उनका बॉडी गोल्डन कलर दिख रहा था। क्लैड इन रिच रेड क्लॉथ, और लाल कपड़े पहना हुआ था, ठीक है, वो लोग लाल कपड़े पहने हुए थे। क्लैड का मतलब होता है वेयर पहनना। एंड हैविंग ऑन देयर हेड्स ग्रेट वाइट क्राउन लाइक विंग्स, और उनके सर पे क्राउन पहना हुआ था वो लोग, जहाँ पर पंख लगा हुआ था सर पे, इतना सुंदर सज धज के खड़ा था वो लोग वहाँ पर। मार्चिंग, और वो मार्च कर रहा था, पैदल चल रहा था, वेयर मार्चिंग अप एंड डाउन विथ स्पेयर्स, और उनके हाथों में लाठी थे, ठीक है, वो लाठी लेके, ठीक है, भाला लेके ऊपर नीचे मार्च कर रहा था, एक बार ऊपर जा रहा था, एक बार नीचे जा रहा था, ऐसा करके पहाड़ के। एंड चैंटिंग एंशियंट मेलोडीज दैट रिकॉल्ड ए लॉन्ग फॉरगॉटन ओल्ड, और एक ही गाना गा रहे थे। चैंटिंग मतलब उस गाने की तरह प्रेयर जैसा, प्रेयर करना, कि उनके मुंह से एक ही मेलोडी निकल रहा था, एक ही आवाज़ निकल रहा था, जिसका मतलब क्या था कि एक लॉन्ग फॉरगॉटन ओल्ड, ठीक है, जो वर्ल्ड, जो ज़माना गुजर चुका है, जा चुका है, उसको शायद याद कर रहा था ये लोग, नैरेटर को ये समझ में आया। इट वॉज ए डेट सेंट, और ये जो प्रेयर थे, चैंट थे, ये क्या थे, इट वॉज ए डेट, जो मर चुके थे उनको याद कर रहा था, इसी के ऊपर गाना था, जो मर चुका था बहुत साल पहले। इट वॉज वन दैट आई शुड बी प्राउड टू हैव संग ओवर माई ओन बॉडी वेन इट गोज टू द डस्ट, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर यही चैंट, यही गाना, यही मेलोडी जब मैं मर जाऊँगा, मेरे बॉडी के ऊपर अगर ये गाना गाया जाता होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये बता रहा था। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर देखिए कि आई डू नॉट नो वाट वेयर द वर्ड्स हु इज दोज बॉयज सेंग, मुझे नहीं पता कि वो जो लड़के जो गाना गा रहा था उनका मतलब क्या है, बट आई फील दैट समवन आउट टू नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है किसी को तो पता होगा इसके बारे में, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स, हाउ मेनी कलेक्शंस हैव येट बीन मेड ऑफ द सॉन्ग्स एंड पोएम्स ऑफ आसाम्स कंट्री साइड, कितने सारे बुक्स होंगे, कितने सारे कलेक्शन होंगे जो अब तक लिखा गया होगा इन गाने को, ये पोएम को, जो विलेज कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज, ये विलेज का, आसाम के विलेज के ऊपर कितने सारे पोएम्स बना होगा, कितने सारे गाने बनाया होगा, कितने सारे कलेक्शंस होगा अब तक। दिस ओल्ड सॉन्ग्स आर डिसअपीयरिंग रैपिडली, और ये जो पुराने दिन का जो गाना है, सॉन्ग है, ये दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, डिसअपीयर हो जा रहा है, मतलब ख़त्म हो रहा है, लोग सुनेगा ही नहीं, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऐसा भी गाना होता था पहले। द स्कूल बॉयज प्रेफर जैज़ म्यूज़िक ऑफ हॉलीवुड फ्रॉम हॉलीवुड, और स्कूल के जो बच्चे हैं उनको जैज़ म्यूज़िक अच्छा लगता है, हॉलीवुड का जो जैज़ म्यूज़िक होता है, ठीक है ना। बट बिफोर इट इज़ टू लेट विल नॉट सम स्कॉलर्स टेक द ट्रेवल, और ताकि ज़्यादा देरी ना हो जाए, क्या कोई ऐसा है, कोई स्कॉलर ऐसा है जो इसका ट्रैवल, ये प्रॉब्लम अब लेगा, लेके सॉल्व करेगा, कैसा है ऐसा बोल रहा है। एंड इट विल मीन ए ग्रेट डील ऑफ ट्रैवल टू रिकॉर्ड दिस थिंग्स, और ये इसका मतलब क्या होगा कि बहुत ये ट्रैवल के साथ डील करेगा, बहुत सारा परेशानी उसको ठीक करेगा, रिकॉर्ड रखेगा। देयर मस्ट ऑल बी ए वास्ट रिजर्व ऑफ फॉक टेल्स एंड मीथ इन हिल्स ऑफ आसाम, और यहाँ पर क्या है,
ये जो आसाम के हिल है इस एरिया में क्या है, बहुत सारा खजाना है। खजाना मतलब फोक टेल्स, ठीक है, जो बच्चों के लिए गाया जाता है, स्टोरी बोला जाता है, फोक टेल्स, ट्रेडिशनल टेल्स जो होता है, स्टोरीज होता है, उसको फोक टेल्स बोला गया है। मीथ, यहाँ पर देखिए मीथ का मतलब क्या है कि पुराने ज़माने का जो बातें होते थे, स्टोरी होते, उसको मीथ बोला जाता है। तो इस ये हमारे खजाना है, ठीक है, हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारा जो कल्चर है, ये हमारा खजाना है। यहाँ पर नैरेटर बोल रहा था हाउ मच ऑफ इट हैज़ एवर बीन रिटन डाउन, और इसके बारे में कितना लिखा गया होगा अब तक, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिए देयर इज़ अनदर थिंग दैट एक्साइटेड मी वेरी मच, और भी एक चीज़ है जिसने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया, अट्रैक्ट किया, ठीक है, द कार्विंग इन वुड। कार्विंग का मतलब होता है खुदाई करना, लकड़ी में खुदाई। देखिए लकड़ी में खुदाई करके करके कैसे डेकोरेशन किया जाता था, कैसे डिज़ाइन बनाया जाता था, यह भी काम करता था, बहुत ही अट्रैक्टिव था ये काम, उनको बहुत अच्छा लगा। द थंकुल्स, ये क्या है, ट्राइब है का, ट्राइब है, क्वेश्चन आता है कि मणिपुर का ट्राइब कौन सा है, थंकुल्स, या फिर थंकुल्स क्या है, मणिपुर का ट्राइब है। मैक स्प्लेंडेड डेकोरेशन ऑन देयर हाउसेस, और थंकुल्स क्या करते थे, ये ट्राइब अपने घरों को अच्छे से डेकोरेशन करते थे, डेकोरेट करते थे, इसका यही टैलेंट था। सो डू द माउस एंड मॉरम्स, और माउस और मॉरम्स जो ट्राइब थे वो भी यही करते थे, अपने हाउस को डेकोरेशन करते थे, डेकोरेट करते थे, इनका टैलेंट था इसमें। उसके बाद कोनियक्स एडोर्न देयर मोरंग्स, मोरंग्स का मतलब था घर, ठीक है, कोनियक्स ट्राइब अपने घरों को अच्छे तरह से सजाता था, सेम बात बताया। द अंगामिस, ये भी दूसरा ट्राइब है, ये क्या करते थे, अंगामिस मेक मैग्निफिकेंट विलेज गेट्स, और अपने विलेज का जो गेट था उसको अच्छे तरह से बनाते थे, सजाते थे। द फॉर्म्स, ये कौन सा ट्राइब है, ये ट्राइब क्या करते थे, द फॉर्म्स एंड अदर ट्राइब्स आर एक्सपर्ट इन फैशनिंग इमेजेस, पाइप्स एंड डेकोरेटिंग ड्रिंकिंग मार्क्स, ये ड्रिंकिंग मार्क्स बनाने में, डेकोरेट करने में उस्ताद थे, पाइप्स बनाने में, इमेज को फैशन करने में ये लोग एक्सपर्ट थे, टॉयज बनाने में एक्सपर्ट थे, ठीक है। फॉर्म्स, सम ऑफ दीज आर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी विगर एंड ब्यूटी, और ये इसमें से कुछ तो ऐसा है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुंदर थे, बहुत ही सुंदर थे, ठीक है, और यहाँ पर बिगर का मतलब खूब ही, खूब ताकतवर थे, खूब ही अच्छा था, ब्यूटी था। वी शुड नॉट लेट इट बी लॉस्ट, और ये जो हमारा खजाना है, ये जो हमारा ट्रेजर है, इसको कभी खोना नहीं है। येट इन हाउ मेनी एजुकेशन सेंटर्स इज द आर्ट ऑफ वुड कार्विंग टॉट एंड एनकरेज्ड, और ये बता रहा है कि कितना एजुकेशनल सेंटर है जहाँ पर कला सिखाया जाता है, कौन सा कला, जो लकड़ी में खुदाई करके जो सिखाते बनाते हैं, ये कहाँ पर सिखाते हैं, कहाँ पर सीखने में मदद करता है, एनकरेज कौन करता है, कोई नहीं, वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ आशा में है। देखिए लास्ट यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है, तो बस लास्ट तक रहिएगा, और प्लीज़ बी एस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा। एंड हेयर इज अनदर थिंग, और भी एक दूसरा चीज़ है, क्या है, ए वंडरफुल ट्रेजर व्हिच यू हैव इन आसाम, देखिए और भी एक खजाना है, ट्रेजर है जो आपके आसाम में है, द सेंस ऑफ कलर, कलर के नॉलेज, ठीक है, आसाम के लोगों को कलर का नॉलेज था। और गांधी जी कहा था एक बार कि गांधी जी वंस सेड दैट द मेडन्स, मतलब जो कुआरी लड़कियाँ हैं, द मेडन्स ऑफ लवली आसाम, लवली आसाम के जो कुआरी लड़कियाँ हैं, वेव पोएम्स ऑन देयर हैंडलूम्स, जहाँ पर कपड़े बनाता है उसको हैंडलूम्स बोला जाता है, ठीक है, वहाँ पर हैंडलूम्स में पोएम लिखता है, हैंडलूम में कपड़े बनाता है ना, उस कपड़े को ही पोएम बताता है, पोएम बता रहा है कि वहाँ पर कपड़े नहीं बोता, वहाँ पर कपड़े नहीं बुनते, वहाँ पर तो पोएम बुनते हैं वो लोग, ठीक है, ऐसा बता रहा है गांधी जी। एंड ही वॉज राइट, और यह सही था, इन द रिमोटेस्ट विलेजेस, सबसे गरीबी, सबसे छोटा छोटा जो विलेज थे, फार अवे फ्रॉम व्हाट इन आवर कॉन्सेप्ट वी कॉल सिविलाइजेशन, हमारे सिविलाइजेशन कई मिलो दूर, ठीक है, उससे बहुत दूर, यू मे फाइंड वुमेन प्रोडक्शन टेक्सटाइल, जहाँ पर आपको मिलेगा कि जो वुमेन है वो टेक्सटाइल प्रोडक्शन का प्रोड्यूस कर रहा है, कपड़े बना रहा है। अब सास एक्सक्विजिट टेस्ट, और बाबर क्या बता रहे हैं कि अति सुंदर टेस्ट उनका है कपड़े बनाने में, और बहुत ही अच्छा बनाते हैं। उस साथ से इंस्टिंक्ट फॉर टोन एंड कलरिंग एज मैक्स द सोफिस्टिकेटेड फील रेदर स्मॉल, ठीक है, और इतना मतलब अच्छे से बनाते थे, इतना जटिल था बनाना, फिर भी इतना अच्छे से बनाते थे, ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ तक बोला गया है, तो और बाकी सब नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा आपको, ताकि आपको कम से कम इसका समारी, इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कब से कब आपको समझ में आए, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग आराम से लिख सके। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब करें।